15 साल से बरी माम में गरीब बच्चों का स्कूल खोला हुआ है, फी सबीलिल्लाह इनको पढ़ाते हैं। ये वो बच्चे जो कूड़ा उठाते हैं, गाड़ियाँ धोते हैं, और इधर मैं 15 साल से काम कर रही हूँ स्लम, अर्बन स्लम एरियाज़ में। पानी की बहुत प्रॉब्लम आ रही है, ठीक तरह पाइप्स नहीं है, और हर सुबह 5 बजे बच्चों और उनके पेरेंट्स को उठ के यहाँ से एक ही सप्लाई का नलका है उससे वो पानी लेते हैं, और काफ़ी मुश्किल है, ना बच्चे नहा के आ सकते हैं ना कुछ, बिकॉज पानी की इतनी कमी है। दूसरा ये कि कूड़ा और गंद बहुत है, यहाँ अर्बन स्लम एरिया है। 15 सालों से मैं यहाँ काम कर रही हूँ। ये वो इलाका है जहाँ ज़्यादा लोगों की रसाई नहीं होती, ऑल्दो प्राइम मिनिस्टर के घर के पास ही है और उनका हाउस के साथ है, ऐवान सदर के साथ है, मगर इन लोगों की इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, सीवरेज सिस्टम भी प्रॉपर नहीं है। अगर ये लोग एग्जिस्ट तो करते हैं, और इतने करीब इस्लामाबाद के अंदर, ये बहुत ज़रूरी है, और ये हकूमत का काम है कि हाँ ये वाटर सप्लाई प्रॉपर करें, साफ़ सुथरा पानी दें, सूरज के साथ, सूरज के वेस्ट के साथ पानी के वो सारे मिले हुए हैं पाइप्स, इनको साफ ड्रिंकिंग वाटर भी नहीं मिलता। कुछ लोगों को 5 बजे सुबह उठ के जाना पड़ता है पानी भरने के लिए, सप्लाई का पानी नहीं आ रहा होता, टाइम होता है, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और ये तो नीचे रहते ऊपर के भी जितने भी लोग हैं, और ये बेचारे लेबरर्स के बच्चे हैं, हमारे पास 800 बच्चे हैं जिनको हम पढ़ा रहे हैं, और ये बच्चे बहुत अकलमंद है, आप देखें सफाई भी करवा रहे हैं और हम जगह को भी साफ़ करवा रहे हैं, क्योंकि ये इनकी तालीम है। मगर अगर उनको ये चीज़ें प्रोवाइड ना करें, ना पानी का, ना गैस, ना कुछ, तो ये कैसे प्रॉपरली एजुकेटेड या अपने मुल्क में बिलीव करेंगे? एक अच्छे सिटीज़न का यही वो है कि वो उसको कुछ तो चीज़ें हासिल हो, अगर अच्छी एजुकेशन नहीं है तो एटलीस्ट उनको थोड़ा सा साफ़ पानी या साफ़ फूड या साफ़ घर इन्वायरमेंट तो मिले। जी हमें बाहर से जाकर कूलर्स भरने पड़ते हैं बच्चों के लिए, क्योंकि जब गर्मी होती है तो बहुत ही प्रॉब्लम होती है, बेचारे थक जाते हैं, टीचर्स के लिए भी प्रॉब्लम होती है, हम चाय भी बना नहीं सकते, बर्तन भी नहीं धो सकते, तो ये अपने घर ले जाकर जब टाइम आता है तो बर्तन धोते हैं। इसकी वजह से गंदगी और सफाई भी नहीं हो सकती स्कूल में, बाथरूम्स को धोना पड़ता है, बच्चे 800 बच्चा कोई 6 बाथरूम्स इस्तेमाल कर रहा होता है, तो वॉश करने के लिए भी ज़रूरत है पानी की, और बहुत किल्लत है। और लोगों ने यहाँ ट्यूब वेल्स तो लगाए हुए हैं, मगर आप वाटर टेबल को नीचे कर रहे हैं, गवर्नमेंट को चाहिए कि वो प्रोवाइड करें वाटर और पाइप्स शाइप्स। मैं हमारे पास तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं सफाई के उससे, और पानी की प्रॉब्लम्स है एंड ऑल दैट, मगर हमने ख़त भी लिखा उनको, बट कोई रिस्पांस कोई ख़ास नहीं आया। इस तरह के इलाकों में साफ़ पानी की ज़रूरत है, पाइप्स लगाएं, ऊपर से आधे आते हैं, कोई काम कर रहा है कोई नहीं, कोई पानी चुरा लेता है, कोई पाइप पे कब्ज़ा कर लेता है, तो ये होना नहीं चाहिए।